बार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है केएमसी हेल्थ सिटी एंड केएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। खुश रहने वाले हर जगह खुशी तलाश ही लेते हैं, जीवन मरण की कश्मकश के बीच भी। मेरठ के आनंद हॉस्पिटल में इन दिनों ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो अमूमन ऐसे हालात में, ऐसे अस्पताल में और कोरोना की विभीषिका झेलने के दौरान तो नहीं होता। एलोपैथी के साथ आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल कोरोना संक्रमितों पर अच्छे परिणाम दे रहा है। यहाँ वैदिक व पौराणिक तरीके भी आजमाए जा रहे हैं, मसलन पूजा और हवन भी। अब कोरोना वार्ड में जन्मदिन मनाकर मरीजों व स्टाफ ने साफ संदेश भी दे दिया, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। एमएस डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि कोरोना संक्रमितों का यहाँ स्पिरिचुअल थेरेपी से भी इलाज किया जा रहा है। सुबह सामूहिक रूप से ओम व गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। इसका लाभ डिप्रेशन के मरीजों को खूब मिल रहा है। हाल ही में यहाँ पीपीई किट पहनकर सभी चिकित्सकों व स्टाफ ने हवन किया। अब बीते दिवस वार्ड में एक कोरोना संक्रमित मरीज का केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। मरीज सुबह से ही यह सोचकर उदास था कि जन्म वाले दिन वह यहाँ अपनों से दूर जीवन मरण से जूझ रहा है। तभी स्टाफ व चिकित्सकों ने ऐसा कुछ कर दिया कि वह अपने कदम रोक नहीं पाया। केक तो काटा ही, सभी को खिलाया भी और फिर डांस भी किया। गाने तो इस दौरान बजे ही और गाने भी गाए गए। मेरा नाम अरविंद कुमार है, मैं आनंद हॉस्पिटल में कोविड इंचार्ज हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये पेशेंट मिस्टर मानव हमारे पास कोविड पॉजिटिव उस दिन आए जिस दिन इनका बर्थडे था। बहुत मायूस थे, बहुत सोचते थे, हमने बहुत समझाया कुछ नहीं होगा, अब सब ठीक हो जाएगा, बट फाइनली ये ठीक हो गए। आज इनकी जैसे हमें पता चला इनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, हमने इनका बर्थडे प्लान किया और इनका बर्थडे मनाया। इनके परिवार वाले और मिस्टर मानव बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। थैंक यू। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।